को न काहू को सुख दुख कर दाता, नीच करे कर्म भोग सब भ्राता। जीवन का यह ऐसा सच है जिसे हम सब ना तो जान पाते हैं और ना ही समझ पाते हैं। प्राकृतिक समय हमें वही देता है जो हम उसे पहले देख कर रखे हैं। ये तो अटल सच है। हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सब कैसे हो? सब बढ़िया ही होंगे, चकाचक होंगे, मैं भी चकाचक हूँ। तो ये रामायण की बहुत ही सुंदर सी एक चौपाई है जो कि मुझे याद आया तो मैंने बोल दिया। और यहाँ अभी सुबह का टाइम है और सुबह का टाइम में मेरा जैसे कि स्नान ध्यान सब हो गया, पूजा पाठ, उसके बाद हम रसोई में आए हैं तो एक साइड चाय चढ़ाए हैं और चाय हमारा जब तक कि सीज रहा है, मतलब तेजपत्ता चाय में सीज रहा है, और आज तेजपत्ता वाली चाय पीने का मन था तो तेजपत्ता वाली चाय बना लिए। और तेजपत्ता वाली चाय का खुशबू ना पूरे रसोई में फैल गया है, जब तक हम बर्तन भी अंदर सेट कर लिए, सरिया लिए, क्योंकि व्यवस्थित रसोई ही अच्छी लगती है, व्यवस्थित रसोई में काम करने में भी मन लगता है। तो बस यहाँ पे अभी बज रहा था 7:30 और अभी तो अच्छा खासा तो लग रहा है कि धूप निकल गया है, लेकिन आजकल धूप अच्छे से निकल नहीं रहा है। और उसके बाद से फिर मेरा काम स्टार्ट हो गया, चाय पी लिए, बिस्किट भी ले लिए, 2-4 बिस्किट ले लेते हैं चाय के साथ, और जो भी लेना रहता है सुबह में जूस वूस सारा मेरा हो गया। और उसके बाद आ गए थे रोटी बनाने, और रोटी जब भी बनाते हैं ना, शुरू करते हैं रोटी बनाने के लिए, तो तावा रोज़ मैसना तो पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है हम लोगों के लिए कि रोज़ हम तावा मैसे, क्योंकि काला हो जाता है या लकड़ी पे बनाते हैं तो। लेकिन हाँ, बिना धोए तावा चूल्हा पे नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि पहली रोटी बनती है गाय की, तो तावा वो हो जाता है बासी, तो बासी तावा में रोटी नहीं बनाते जब तक कि उसको धो नहीं लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मन था चूड़ा, आज दूध चूड़ा खाने का, तो दूध चूड़ा खाएंगे। और यहाँ देखिए मेरा चकला बेलना सब हम साइड में रखे हैं, उसको अलग स्क्रबर से हम धोते हैं, वो बर्तन मैसने वाला से नहीं धोते हैं, जूठा स्क्रबर से नहीं धोना चाहिए। और दूध चूड़ा ले लिए हैं, और अभी ठंड है तो गुड़ ही खाते हैं। ठंड क्या, ऐसे भी गर्मी के दिन में भी हम ज़्यादा गुड़ ही खाते हैं, गुड़ मुझे ज़्यादा पसंद है, चीनी से ज़्यादा अच्छा लगता है गुड़, तो दूध चूड़ा का नाश्ता। वैसे भी गुड़ सबको खाना चाहिए, गुड़ में कैल्शियम ज़्यादा होता है, हड्डी मजबूत होता है गुड़ से, तो गुड़ तो सबको ही खाना चाहिए, और ठंड में तो खैर खासकर बच्चों को भी देना चाहिए और ख़ुद भी खाना चाहिए। क्या था, 10-10:30 के बीच ही हो रहा होगा, और धूप देखिए कितना धीमा धीमा सा है, मध्यम सा धूप, धूप अच्छे से नहीं निकल रहा है। तो ये बात तो सच है ना फ्रेंड्स, जैसी करनी वैसी भरनी, लोग अपने दुख का कारण खुद ही होते हैं। लोग दूसरों पे दोष देते तो हैं, बोलचाल के भाषा में दे देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, अपना दुख का कारण अपने ही होते हैं। तो हम हाउस वाइफ को सारे कामों को मतलब व्यवस्थित करना, सारे काम को समय से पहले करना, हम हाउस वाइफ ही करते हैं, कौन करेगा, कोई नहीं करता। जेंट्स लोग तो भागते भी हैं, लेकिन हम लोग कहाँ भागेंगे, कहीं नहीं भाग सकते, बस सारे काम को करना है। तो यहाँ बसंत पंचमी की तैयारी चल रही है, मतलब सरस्वती पूजा का तैयारी चल रहा है, तो पूजा रूम में थोड़ा झोल वोल हो गया था तो साफ़ कर लिए, झोल जाला सारा साफ़ हो गया। और हमारे यहाँ तो कोई भी त्यौहार होता है तो ये तो भाई बहुत अच्छी बात है कि त्यौहार के ही बहाने घर की साफ़ सफाई हो जाती है, तो इसी बहाने घर भी साफ़ हो जाता है, चकचका जाता है पूरा घर। तो पूजा रूम की साफ़ सफाई यहाँ पे चल रही है, तो सोचे आज कर ही लेते हैं, क्योंकि कल है सरस्वती पूजा, तो कल तो पूजा पाठ में लगे रहेंगे, कल साफ़ करने में सफाई करने लगे तो देखा जाए कि बहुत लेट हो गया, तो उसके लिए एक दिन पहले ही कर लेना चाहिए। तो एक दिन पहले ही हम पूरा पूजा रूम साफ़ सफाई कर लिए थे, नीचे उचे सब धो लिए थे, पोछ लिए थे, और जाला जितना झोल तो अभी उतना ज़्यादा नहीं होता है, गर्मी में तो बहुत ज़्यादा होता है, अभी ठंड में थोड़ा कम होता है, लेकिन फिर भी होता है। सारा जाला वाला साफ़ करके यहाँ सब अच्छे से चकचका के साफ़ कर दिए। और साफ़ सफाई करने के बाद झाड़ू को बिना धोए नहीं रखना चाहिए, चाहे कोई भी झाड़ू हो, घर में जो झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू लगाने के बाद उसका पूरा झाड़ू नहीं धो सकते हैं, क्योंकि अभी ठंड है तो सूखने का थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, सूखता नहीं है, लेकिन उसका जो फुनगी होता है सामने वाला, वो वाला हिस्सा ज़रूर धोना चाहिए। झाड़ू को झाड़ू लगा के ऐसे नहीं रखना चाहिए, उसको धो के ही रखना चाहिए। और यहाँ एक दो बर्तन जो था सो गंदा हो गया था, इसको भी हम साफ़ कर दिए अच्छे से, और उसके बाद हम धो देंगे पूजा रूम को।
आज पूजा रूम को पूरा धो देंगे। तो अभी तो टाइम हो रहा था, धूप निकल गया, सुबह नहीं कर पाए थे क्योंकि ठंड है, थोड़ा हल्का फुल्का तो ठंड है ही ना। वैसे तो ठंड अभी कम है, बदरी है तो थोड़ा सा ठंड कम है, लेकिन फिर भी पानी सुबह सुबह नहीं इतना हीट सकते, गांज सकते, क्योंकि तबीयत फिर ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा धूप निकल गया, टाइम हो गया, नाश्ता वास्ता करने के बाद ही ये सब काम में हम लगे ताकि उतना ज़्यादा ठंड ना लगे। और कितना अच्छा चकचका गया पूजा रूम, साफ़ हो गया पूरा। और आज करना है ये एक दो कपड़ा भी साफ़ करना था। कपड़ा तो खैर मशीन में बहुत सारा फीचे हैं, सुबह फीचे थे, सूख भी गया था और उठा भी दिए थे, और उसके बाद और भी मशीन में डाला हुआ है। और ये सब साड़ी है जो कि हाथ से ही फीचना है, वो तो मशीन में जाएगा नहीं, तो हाथ से ही फीच लेते हैं। और ये फुट पैड जो है, पैर पोछना, ये बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। तो सोच ही रहे थे कि सरस्वती पूजा आ ही रहा तो साफ़ सफाई तो होवे करेगा उसमें, इसीलिए थोड़ा मटिया भी रहता, और ठंड भी तो ज़्यादा था, इसीलिए उतना ठंड में साफ़ करना भी मतलब ठीक नहीं था। तो बस अब धूप अच्छा से, मतलब अच्छा तो नहीं है, निकला है थोड़ा बहुत निकला है, तो चलिए थोड़ा बहुत धूप में इसको साफ़ कर लेते हैं आज। और बहुत ज़्यादा गंदा था, सर्फ़ दे के किए, बहुत गंदा निकला। तो फ्रेंड्स ये बात तो सच है ना कि माता सीता को भी समय नहीं छोड़ा, तो हम तो खैर आम इंसान हैं, हम लोगों की क्या वैल्यू, माता सीता को ही जब समय नहीं छोड़ा तो हम लोगों को कहाँ छोड़ेगा। इसीलिए जो कुछ भी बोलें सोच समझ के बोलना चाहिए, सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि समय का पलड़ा किसी के तरफ कभी भी घूम सकता है, कोई नहीं जानता। इसीलिए कुछ भी बोलने से पहले ना, ब्रह्मांड में कहते हैं ना, ब्रह्मांड में घूमते रहता है हमारा बोली जो है, ब्रह्मांड में घूमते रहता है, और घूम फिर के फिर आप ही के ऊपर आएगा, जो हम बोलते हैं वो फिर हमारे ऊपर ही आ जाता है। इसीलिए कहा जाता है सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि ये समय कब घूम जाएगा किसके तरफ कोई नहीं जानता। तो बस यहाँ पे सारा कपड़ा उपड़ा साफ हो गया था, सारा डाल। उम्मीद है आज का ब्लॉग आप लोग बहुत इंजॉय किया होगा, आप लोगों ने अच्छा लगा होगा आप लोगों को। तो जो मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं उनका मैं दिल से धन्यवाद बोलती हूँ, थैंक यू बोलती हूँ। और प्लीज मेरे वीडियो का एक लाइक कर देना, और जो नए आ रहे हैं वो बिना सब्सक्राइब किए हुए आगे मत जाना, प्लीज सब्सक्राइब कर देना। आपके हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पे जाएगा और आप लोग सबसे पहले देख पाओगे, एंजॉय कर पाओगे। तो फिर मिलते हैं आप लोग से कल, तब तक के लिए टाटा, सी यू।